तो आज चल रहे हैं इसी तरह से बिस्किट के पार्ले जी। हम आज चल रहे हैं काले जाम बनाने के लिए दोस्तों, तो बहुत आसान तरीका है बनाना। चलिए हम लोग को आप लोग को बना के दिखाते हैं कैसे बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं एक नई रेसिपी लेकर आप लोग को भी आए हैं। तो दोस्तों आज चलिए हमारे वीडियो को शुरू लाइक कर जरूर देखिएगा। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों इसमें बुखार बहुत ज़्यादा है, हमको बुखार छोड़ नहीं रहा है, तो इसलिए हम बुखार से परेशान बहुत काफ़ी हो जाते हैं इस समय। तो देखिए दोस्तों आज चलिए हम वीडियो बनाते हैं। आप लोग वीडियो को हमारे शुरू से लाइक देखिए जरूर, वीडियो बने रही है हमारे, अच्छा लगता है तो लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक करना मत भूलें। आप लोग जाम बनाने के लिए चल रहे हैं, तो बिस्कुट काला जाम दोस्तों आज बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, तो हलवाई भी फेल हो जाएगा दोस्तों। बिस्कुट के काला जाम बिल्कुल आपको मालूम नहीं चलेगा, इस तरह से आज बनाएंगे एक नए तरीके से हम। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिए, बिस्कुट ले लिए हैं। तो यहाँ पे 5 वाला भी बिस्कुट है, 2 वाला भी बिस्कुट है, तो आप जैसे कम बेसी बनाना चाहते हैं, 4 पैकेट 5 पैकेट उस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आधे के जी चीनी ले लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए मिल्क पाउडर लिए हैं, घड़ी के यहाँ पे भूल गए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इलायची 8-9 पीस है, बनाने के लिए तेल लिए हैं। चलिए सबसे पहले हम बिस्कुट के पैकेट को फाड़ ले रहे हैं। देखिए सभी है फोटो खींच रही हूँ, यहाँ पे सारे बिस्कुट को हम इसी तरह से फाड़ ले रहे हैं। यहाँ पे सिलबट्टे पे हम पीसेंगे इसको, सिलबट्टे पे पीसने पे रहता है कि बिल्कुल इसमें एक भी गुठलिया नहीं रहता है, मिक्सर में जो पीसा जाता है उसमें गुठलिया पड़ जाती हैं, और सिलबट्टे पे बहुत आसान तरीका से पिसा भी जा रहा है। सभी को इसी तरह पीस के हम उठा ले रहे हैं, तो पिसा गया है तो यहाँ पे सारे उठा लिए। आप मिक्सर में इसको पीस रहे हैं तो एक बार आप चलने से चाल लीजिए इसको, नहीं तो इसमें एक बार रह जाता है बिस्कुट टुकड़ी टुकड़ी इसका छोटा छोटा। चला ले रहे हैं आप, अब इसमें सॉसपैन को रख दिए हैं, तो इसमें डालेंगे चीनी को। चीनी डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे भर के इसको पानी, दो इसी से भर के चीनी को हम डाल दिए हैं। अब चीनी को हम जब तक चलाएंगे जब तक अच्छे से गल नहीं जाएगा। बड़े चम्मच से 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिए हैं, इसमें डाल दे रहे हैं। यहाँ पे गड़ी के भोरे भी डाल दे रहे हैं, अभी डाल को अच्छे से मिलाएंगे। तो आप भी बिना इन सबको भी बिस्कुट से पार्ले जी बना सकते हैं, बाकी उतना टेस्ट नहीं आता है बिस्कुट से। इसमें मिल्क पाउडर हो आपके पास, जैसे दूध की मलाई हो तो इसमें डाल सकते हैं आप। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, अब डालकर अच्छे से मिलाएंगे पहले। ये सबको डालने से रहता है कि बिल्कुल बिस्कुट का हमारे स्वाद नहीं आता है, बिल्कुल भी लगता है जैसे कि खोआ का बना है। तो अच्छे से मिला ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूध को डालकर हम डो तैयार करेंगे। दूध हमारा गर्म नहीं है, बिल्कुल ठंडा दूध है ये, जैसे एक बार गर्मा के दूध को रखा जाता है वही वाला दूध हमारा है ये। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको सानेंगे। अब इसको देख रहे हैं कि इसी तरह से हमने उसके तैयार कर लिए हैं, अब देख सकते हैं कितना आया है, जैसे रोटी का डो रहता है उसी तरह से भी हमारा है। अब इसको हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे, पहले थोड़ी सा इसमें दूध डालेंगे क्योंकि चाशनी है जो हमारा थोड़ा मटमैल है, इसमें जितना कचरा अभी सारा कचरा इसका ऊपर आ जाएगा यहाँ है, तो हम इसको छन्नी के द्वारा से निकाल लेना है। इसमें हम इलायची का छिलका भी निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे गोले हम इसका बनाकर तैयार करेंगे, तो हम इसको लंबे शेप में बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसका गोला जो है बड़े किए हैं। तो इसको देख रहे हैं हाथ से उठा रहे हैं, तो इस तरह करेंगे। तो बिल्कुल चिकना वाले बनाएंगे हम इसको इस तरह से। तो सभी हम काले जाम को इस तरह से बना के रख ले रहे हैं, तो इस तरह आप घर पे बनाएंगे तो बहुत आसान तरीका से बनाएंगे, किसी को मालूम नहीं चल पाएगा, इस तरह से बना के आप रखते जाइए। आप ये मत सोचिए कि मिल्क पाउडर जब रहेगा घड़ी के मुरादे रहता है तभी आपका काला जाम बिस्किट का बन पाएगा। बिस्किट से केवल बिस्किट से भी आप बना सकते हैं, उसमें डालना चाहते थे 8-9 पीस काजू को पीस कर आप मिक्सर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बना रहे हैं, थोड़ा सा ये रहता है कि मावा हमारा डालने पर ये रहता है कि इसका जो मालूम बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है,
तो इसलिए इसमें हम दूध का मिल्क था मिल्क पाउडर, तो उसमें काम 4-5 चम्मच इसमें दूध डाल दिए हैं। तो सभी को देखिए इसी तरह से बनाते जा रहे हैं, बहुत आसान तरीका है बनाना। तो मार्केट में जैसे देखते हैं कि इसमें ज्यादा करके मिलावटी मिलेगा, क्योंकि कोई भी त्योहार आता है तो मार्केट में ज्यादा करके मिठाइयाँ बिकता है, तो इसलिए मिलावटी मिलता है ज्यादा करके। तो आप लोग घर पे आसान तरीका से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे चाशनी हमारा बनके तैयार हो गया है, तो कोई तारले चाशनी नहीं लिया, बस हल्का सा गाढ़ा इसको किया है चीनी को, यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको हम उतार रहे हैं चाशनी को। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल, आप इसको घी में भी बना सकते हैं, घी हो तो आपके पास, अगर यहाँ पे हम रिफाइंड बनाएंगे इसको। अब यहाँ हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसको चेक कर ले रहे हैं डाल के, तभी सर थोड़ी सा पहले डाल ले रहे हैं इसमें, तो गरम हो गया है देख रहे हैं आप लोग, हम डालते जा रहे हैं इसको। इसको ज्यादा देर तक पकाना नहीं है, क्योंकि बिस्कुट हमारा जो रहता है वो पका रहता है पहले से, तो इसलिए पकाना नहीं है ज्यादा देर तक। इसको निकाल ले रहे हैं, ऐसा कलर देख रहे हैं आप लोग काफी अच्छा आ गया है काले जामुन से। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसको इसी तरह से फैला ले रहे हैं, फिर बाकी का जो है उसको डाल ले रहे हैं। तो इसी तरह बाकी के जो बचा है उसको भी निकालेंगे, छोटे वाला भी पीस को। तो अब इसमें हम डाल दे रहे हैं इस तरह से देख रहे हैं, छोटा वाला भी पीस है जो, तो छोटा वाले सारे हम एक साथ में डाले हैं। तो छोटे बच्चों को काफी अच्छा लगता है वाला, छोटे छोटे जब रहता है तो आप लोग देखते हैं कहीं कहीं मार्केट में छोटे साइज में काला जाम बिकता है, बहुत काफी ज्यादा बिकता है वो। इसमें हम इसी तरह से रख दे रहे हैं नीचे, इसमें हम चाशनी को गिरा देंगे इसी तरह से। ये जैसे हमारा है 2 घंटे बाद खाने लायक अच्छे से हो जाएगा फुलकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से बन गया है, अब बहुत आसान तरीका है। तो इसको हम इसी तरह से छोड़ेंगे, तो 2 घंटे बाद हमारा खाने लायक होगा, आप तुरंत खाएंगे गर्म गर्म, तो फूलेगा नहीं अच्छे से, 2 घंटे बाद फूलने जाएगा है अच्छे से। तो देखिए काफी अच्छे से बन के तैयार है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं फूल के कैसे उभरा रहा है, आप लोग को करीब से भी दिखा दे रहे हैं, जो बाकी का देख रहे हैं नीचे बैठा है, ऊपर से देखिए फूल फूल के उभरा रहे हैं धीरे धीरे। तो सारे इसी तरह से फूल जाएंगे, तब खाने में काफ़ी टेस्ट लगेगा। तो देखिए इसी तरह हम छोड़ रहे हैं इसको। तो आज का वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगता है, सब्सक्राइब लाइक करना आप लोग ना भूलें। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल रहा है इसमें। तो साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।